जय श्री राम प्यारे भक्तों, भगवान ने हमें दुख देकर हम पर इतनी बड़ी कृपा की है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य ही उठेगा कि दुख देने में भी क्या कृपा, दुख दे के तो हमें परेशानी मिल रही है। प्यारे भक्तों, भगवान ने हमें जो दुख दिया है वो कृपा करके ही दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान तो कृपा के सिवा कुछ करते ही नहीं, वो तो केवल कृपा ही करते हैं। अब दुख में इतनी बड़ी कृपा क्यों छुपी हुई है, आप इसको समझ लीजिए। प्यारे भक्तों, हम भोग विलासों में, इस संसार में, इस मोह माया में जब इस कदर फंस जाते हैं और उसके नाम को भूल जाते हैं, तो फिर वो हमें दुख देता है। क्यों दुख देता है? वो कृपा करता है हम पर कि हम उसके नाम को याद कर लें। और जब दुख आता है तो फिर वो हमें याद आता है, और वो इसीलिए हमें दुख देता है कि हम उसको याद करें। तो ये कितनी बड़ी कृपा है, क्योंकि उसको याद करोगे नहीं तो मुक्ति मिलेगी नहीं और भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। और जो ये मनुष्य जो ये मनुष्य तन मिला है, जो ये देवताओं को भी दुर्लभ है, इसका हमें लाभ मिलेगा नहीं। तो दुख दे के उसने हम पे बहुत बड़ी कृपा की है, और जो इस बात को समझता है प्यारे भक्तों, वो केवल भगवान से दुख ही मांगता है, क्योंकि सुख में भगवान के नाम को इंसान भूल जाता है। कुंती ने कृष्ण भगवान से दुख मांगा था। दुख जब कृष्ण भगवान अपने धाम जा रहे थे युद्ध के बाद, तो सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा, बुआ आप भी कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा, हे वासुदेव, मुझे दुख दे दो, क्योंकि मैं दुख में तुम्हें कभी भूलती नहीं। सुख के माथे सिल पड़ी जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी में दुख की जो पल पल याद दिलाए। ये दुख में ही तेरी पल पल याद आती है, तो हे कन्हैया, हे वासुदेव, तू केवल मुझे दुख दे दे ताकि मैं तेरे नाम को एक पल के लिए भी ना भूलूं। अगर आपको दुख मिला है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने बहुत बहुत कृपा करके हमें दुख दिया है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।